हेलो माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगी आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप ऑफ कॉफी। अचानक किस वजह से हुआ इलियाना डिक्रूज को फक्र? क्या है ना, इलियाना डिक्रूज आजकल अक्षय कुमार के साथ रुस्तम की शूटिंग में जमकर बिजी हैं और इसी वजह से इलियाना को बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। इलियाना ने रुस्तम मूवी को लेकर कहा, रुस्तम इज अ वेरी इंटेंस मूवी, इट्स विंटेज नो डाउट, आई होप पीपल वॉक इन एंड गेट इमर्स्ड इन द स्टोरी, आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ डूइंग रुस्तम। यार सवाल ही नहीं उठता इलियाना, आपकी जगह कोई और भी होता तो खुद को भाग्यशाली मानता। अरे भाई, अक्षय कुमार जो है साथ में। सुशांत और कृति के बीच आ गई दीपिका पादुकोण। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो हम बताते हैं ना। दरअसल राब्ता मूवी के चलते सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन एक साथ काम कर रहे हैं। अब रूमर्स के हिसाब से कबाब में हड्डी बन गई है दीपिका पादुकोण। नहीं, दीपिका इस फिल्म में एक्टिंग नहीं बल्कि आइटम सॉन्ग करने वाली है और अपना जलवा बिखेरने वाली है। इससे पहले दीपिका ने दम मारो दम में आइटम नंबर किया था। लगता तो है इस बार भी मैडम कुछ स्पेशल करने वाली है। कंगना रनौत को भाया विद्या और प्रियंका का साथ। जी हाँ, कंगना रनौत को विद्या बालन और प्रियंका चोपड़ा का समय पर साथ देना छू गया है, बिकॉज दे हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न एज हर लीगल वॉर विद ऋतिक रोशन कंटिन्यूज। कंगना ने इसी बारे में और बताते हुए कहा, All my girls are just amazing. We don't discuss our personal lives. Like nobody ever asked me what happened. But all I get is calls, lots of love and concern. Everybody has called me and asked me whether it's Priyanka, Vidya or Sonam. आपको बता दें कि actresses like Vidya Balan, Sonam Kapoor and Kalki Kekla have praised Kangana for taking a stand for herself in the legal battle. दोस्त हो तो ऐसे हो, जो सिर्फ सुख में ही नहीं, बल्कि दुख में भी साथ दे, है कि नहीं? तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।